मेरे साथ दो बार भगवान का स्मरण करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। परम आराध्य हमारे राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में माँ भारती के वक्षस्थल पर विराजित हमारे भाग्य नगर के इस पावन नगरी के गर्भ में अवस्थित या धर्म मंच पर विराजमान हमारे वीर परंपरा के वाहक नगर के गणमान्य बंधु, हमारे सामने बैठे हुए माँ भारती के संतानों के संतति के नौ निहार मेरी भारत माँ के रखवाले बजरंगियों, दुर्गा की सदृश हमारी माताएं, माँ भारती के चौथे स्तंभ मीडिया बंधु, माँ भारती के सेवा में अशोक स्तंभ धारण करने वाले मेरे देश के इस नगर के सुरक्षा प्रहरी, मैं अपनी बात कुछ प्रारंभ करूं इसके पहले मैं मीडिया एवं प्रशासन वर्ग से एक निवेदन करता हूं, कृपया वो ध्यान दें। प्रशासन वर्ग एवं मीडिया, मैं कुछ कहूं इसके पहले मेरे वाणी पर ध्यान दें। मैं जो भी बोलूंगा भारत के संविधान के अनुच्छेद 26, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के आलोक में कहूंगा। मेरे हमस्वरूप बंधु, उंगली अगर जल गई है तो बैंडेज पट्टी कर लो, हाथ जल जाएगी तो तुम बैंडेज पट्टी कर सकते हो, लेकिन अगर पूरा शरीर ही जल जाए तो उसका कौन सा बैंडेज पट्टी होता। आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, इस नगर का पौराणिक नाम भाग्य नगर है। हमारे अपने दाओं ने इस नगर का नाम भाग्य नगर रखते समय मेरे पूर्वजों ने क्या सोचा, इस पर मैं आऊंगा। लेकिन इसके पहले भगवान ने पृथ्वी बनाई, पृथ्वी पे दो तरह के लोग बनाए, एक का नाम रखा सुर और दूसरे का नाम रखा असुर। सुर को जीने के लिए मां भारती का वक्षस्थल मिला, असुरों के जीने के लिए समुद्र पर्यंत का भाग मिला। और हम जिस भूभाग पर रहते हैं, इस भूभाग को हम अपनी माता मानते हैं। हमारे पूर्वजों ने सिखाया कि भारत हमारी मां है, और इस मां के वक्षस्थल पर राम कृष्ण बुद्ध वशिष्ठ भारद्वाज चरक चाणक्य अशोक महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी से लेकर ऋषि महर्षि देवर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षियों की परंपरा के हम वाहक हैं। हम कोई चोर और डाकू के वंशज नहीं। हमारे पूर्वजों ने सिखाया जियो और जीने दो। हमारे पूर्वजों ने सिखाया कि चींटी को भी चीनी डालो, गाय को भी मां कहो, वृक्ष में शरबत डालो, पत्थर पत्थर में भगवान देखो, हर देव
सच्चा बच्चा राम का उद्घोष करने वाला इस भारत भूमि के संतानों की संतति बन गई। उन्हीं पूर्वजों ने मनुष्य को जीने की वृत्ति सिखाई, उस जीने की कला का नाम हिंदू है, जिसके नाम पर इस देश का नाम हिंदुस्तान है। उस समय हमारे पूर्वजों ने इस नगरी का नाम भाग्य नगर रखा। भाग्य नगर रखने का अर्थ क्या था? ये मां भारती के भाग्य को बनाने वाला, मां भारती के भाग्य को उज्जवल करने वाला अगर कोई प्रदेश है तो भाग्य नगर प्रदेश है। अलग अलग प्रांत की अलग अलग परिकल्पना है। बिहार का अर्थ है जहां बुद्ध से लेकर महावीर से लेकर गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह से लेकर जहां विहार करते हो, जहां ज्ञान प्राप्त करते हो, उन्हें विहार कहते हैं। उत्तर प्रदेश जहां राम पैदा लेते हैं, कृष्ण पैदा लेते हैं, बुद्ध पैदा लेते हैं, उस भूमि का नाम है उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र जहां महानाथ राव का निवास है, उस प्रदेश का नाम महाराष्ट्र है। लेकिन जिस जगह पर मैं आया हूं, इस नगर का नाम भाग्य नगर है। अगर भाग्य नगर मेरे पूर्वजों ने रखा होगा तो इसका अर्थ है कि मेरी मां के भाग्य को उज्ज्वल करने वाला प्रदेश। लेकिन दुर्भाग्य तथाकथित राम आया तो रावण भी आया, कृष्ण आया तो कंस भी आया, शिवाजी आए तो मुगल भी आए। ये क्या कोई पीर फकीर का था? बाबर कौन था? औरंगजेब कौन था? नादिर शाह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐलम कौन था? ये क्या कोई पीर फकीर थे? सबके सब ससुरे चोर थे, लुटेरे थे। इन लुटेरों की परंपरा के वाहकों ने भारत पर आक्रमण किया। और उस पंथ का नाम इस्लाम था। उस पंथ के वाहकों ने जिस रात में शेर और हिरन एक घाट पे पानी पीते थे, पापाचार दुराचार अत्याचार के बदौलत इस देश में सत्ता कायम की। लेकिन हमको हरा नहीं पाए। लेकिन एक जानते हो, हैदराबाद में बरसाती मेढक की तरह टिराने वाला एक मेढक भी हैदराबाद में रहता है। जय श्री राम, जय श्री राम। उन मुगलों ने क्या क्या किया मैं नहीं कहता, मैं उस पर आऊंगा। इस्लाम का जन्म से लेकर भारत के आगमन तक पापाचार दुराचार अत्याचार जैसी जिसकी जीवन पद्धति, उस जीवन पद्धति में निवास करने वाले लुटेरों के वंशजों की सत्ता कायम थी। और उन सत्ता कायम करने में इस नगर का भी नाम भाग्य नगर से हैदराबाद हैदर अली के नाम। मैं नहीं कह रहा, कृपया प्रशासन वर्ग ध्यान दे। कुछ तो ऐसी हमारी हस्ती है कि जो इनके मिटाने से भी नहीं मिटती। लेकिन ये मिट जाते हैं। मैं नहीं कह रहा, कृपया प्रशासन वर्ग ध्यान दे। सलमान को हमने सीनियर स्टार समझा, प्यार किया, कौम के लोगों ने कहा। फिर से सुनो, प्रशासन वर्ग ध्यान दे। सलमान को हम
मैं नहीं कह रहा हूं बाबा, मैं नहीं कह रहा हूं कि क्या प्रशासन वर्ग ध्यान दे। दिल्ली म्युनिसिपैलिटी मजिस्ट्रेट की श्री जेल लोहाटा की अदालत, दिल्ली राजवेंद्र देव शर्मा, एफआईआर नंबर 237/83 भारतीय दंड संहिता की धारा 249 के अंतर्गत पुलिस थाना कौच का यह फैसला है। मैं उन्हें आतंकवादी नहीं कह रहा, इन्हें आतंकवादी भारत का कोट कहता है, तो मैं क्या उनको भारत मां का बेटा कहूंगा? भारत के प्रशासन के मस्तक पर दिया, लेकिन दुर्भाग्य है कि तेलंगाना
प्रशासनिक वर्ग एक कमजोर हिंदुओं पर तो उनकी लाठी पजड़ती है, लेकिन आपके सामने जो हत्या होती है, आपके सामने बेटी का बलात्कार होता है, बिरबल बेचारा क्या करता, लेकिन मन में स्वाभिमान था कि मैं भारत मां का बेटा हूं, बदला जरूर। एक दिन एक खंडहर में गया, एक गधे को बांधा, बाहर आता अंदर जाता, बाहर आता अंदर जाता, बाहर आता अंदर जाता। लोगों ने पूछा, बिरबल कहीं तेरा पेट खराब तो नहीं हो गया, तेरा पेट खराब तो नहीं हुआ? बिरबल ने कहा, पेट नहीं खराब हुआ, इस खंडहर में खुदा का नूर प्रकट हुआ। बोला, मैं जाऊं देखने? बोले, जरूर जाओ, लेकिन एक शर्त है। बोले, क्या? एक बाप की औलाद को खुदा का नूर दिखता है और दो बाप की औलाद को धर्म निरपेक्ष गधा नजर आता है। तथा कथित धर्म निरपेक्ष लाइन लग गए, अंदर गए तो था तो गधा, लेकिन बाहर निकल के कैसे कहे कि मैंने गधा देखा? अगर लोग कहे कि मैं गधा देखा तो लोग कहता कि कहीं तू दो बाप के औलाद को नहीं है? जो निकलता बाहर कहता क्या खुदा का नूर है, क्या नूरानी चेहरा, किसी ने स्वीकार नहीं। अंत में अकबर को सूचना हुई, अकबर भी आया, चौराहे पे बिरबल खड़ा था। बिरबल से कहा, देखा अकबर ने, आंख मिली, बोला, बिरबल बोला, जीप जहां बना कुछ पता है? बोला, जरूर पता है महाराज, कि आपके राज में खुदा का नूर। बोला, मैं जाऊं देखने? बोले, जाओ, जरूर जाओ, लेकिन एक शर्त मालूम है ना? बोले, क्या शर्त है? बोले, एक खुदा बाप की औलाद को खुदा का नूर दिखता है, दो बाप की औलाद को धर्म में पेच गधा। फिर बोला, जवान खींच लूंगा। बोला, महाराज अभी जाओ, अभी पता लग जाएगा। अकबर को तो बड़ा घमंड था कि मैं तो पूरा पूरा जो हूं से एक ही बाप का औलाद हूं। चला गया, गया तो देखा वहां गढ़े बना है, ऊपर देखा, नीचे देखा, अगल देखा, बगल देखा, कहीं खुदा का नूर नहीं। माथे पे हाथ रख के बैठा, बोला कि प्रजा तो प्रजा, अगर मैं जाकर बोलूं कि मुझे गधा लगा, दिखा, तो लोग बोलेंगे, अरे प्रजा तो प्रजा, मेरा राजा भी जो है से दो बाप की औलाद है क्या? बिरबल भी निकला और जोर से चिल्लाया, क्या खुदा का नूर है, क्या नूरानी चेहरे, ऐसे ही कुछ तथा कभी धर्म निरपेक्ष गधे की दो बाप की औलादे इस भाग्य नगर में हैदराबाद के नाम का आदमी टट्टू का गान। मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहूंगा, बड़े गाना गाया गया मुसलमानों पर, गंगा जमुनी तहजीब, और हैदराबाद के लोगों ने तो बड़ी अच्छी गंगा जमुनी तहजीब अपनाई, मेरे पूर्वजों ने भी गंगा जमुनी तहजीब अपनाई। तो अफगानिस्तान गया, बचल खुचल पाकिस्तान गया, फिर बांग्लादेश चला गया, फिर कश्मीर जाते जाते मोदी के कारण कश्मीर बच गया। लेकिन जानते हो, तुम्हारे भाग्य नगर के सांसद महोदय के भाई कहते हैं कि अगर 5 मिनट के लिए प्रशासन हटा लो तो मैं यहां के हिंदुओं को देख लूंगा। तुम क्या देखोगे? तुम क्या देखोगे? तुम्हारी देखने की औकात नहीं है, तुम्हारी औकात उतना ही है जितना एक बरसाती मेंढक का होता है। तुम चुनौती देना अच्छा आपको नहीं लगता? और भाईचारा की बात करते हो, हिंदुओं ने भाईचारा ऐसा अपनाया, तुम्हें छोड़ो मुहम्मद के परिवार को जब मुसलमानों ने ही मार रहे थे, तब भी अली के परिवार को, हुसैन के परिवार को मेरी मातृभूमि ने संरक्षण दिया था। तुम हमें सिखाओ मत। अब भाईचारा की बात करते हो,
तुम्हारी भाईचारा कहां चली जाती है जब सिया सुन्नी आज तक मुसलमान सिया सुन्नी भाई नहीं हो सके तो हिंदुओं के साथ भाई कैसे बन जाए। जिसे मेरी मातृभूमि मेरी मां स्वीकार नहीं, जिसे मेरी गौ माता स्वीकार नहीं, जिसे मेरा संविधान स्वीकार नहीं, जिसे भारत का संविधान स्वीकार नहीं, तो मेरा भाई कैसे? और जब भाई नहीं तो गंगा जमुनी तहजीब कैसे? ये मैं नहीं कह रहा, प्रशासन वर्ग को बड़ा मिर्ची लगेगी कि सुनील शास्त्री महाराज ने ऐसे कहा। ओवैसी जी बड़ा जोर जोर से भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं, मैं भीमराव अंबेडकर को कोट करता हूं। भीमराव अंबेडकर ने कहा हिंदू मुस्लिम एकता एक असंभव कार्य है, भारत के समस्त मुसलमान को पाकिस्तान भेजना और हिंदुओं को वहां से बुलाना ही है मात्र है, अन्यथा विभाजन के बाद भारत में सांप्रदायिक समस्या बनी रहेगी। मुसलमान कानून के आधार के अनुसार भारत हिंदुओं और मुसलमानों की समान मातृभूमि नहीं हो सकती। आतंकवाद का वो भारत जैसे गैर मुस्लिम देश में इस्लामी देश बनाने के लिए जिहाद आतंकवाद में संकोच नहीं करते। गुंडागर्दी मुस्लिम राजनीति का एक अस्थायी तरीका है। इस्लामिक कानून समान सुधार संविधान विरोधी, ये धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानता। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये तो भीमराव अंबेडकर ने कहा। अगर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में राष्ट्रगान में वंदे मातरम स्वीकार किया था तो तुम्हें भारत के वंदे मातरम तुम्हें स्वीकार क्यों नहीं? इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने कोर्ट का हवाला दिया है। तुम्हारा कुरान कभी इजाजत नहीं देती कि तुम किसी मुशरिकों के साथ दोस्ती भाईचारा करो। अगर तुम समुल्ला ईमान हो तो तुम मुसलमान के साथ कभी दोस्ती कर ही नहीं सकते, भाईचारा कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे कुरान कहता है और कुरान पर म्युनिसिपैलिटी मैंने चीन लोहाटा की और बम्बे कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला निहित। मेरे भाई मैं तो नहीं कह रहा, मैं कुछ उक्तियां देना चाहता हूं भारतीय स्कॉलरों का। भारत का ही लीजिए, मैं भारत को ही दे रहा हूं। हकीम अजमल खान सबसे बड़े मुस्लिम स्कॉलर, दीन तो अल्लाह का इस्लाम, 3:19 पृष्ठ संख्या 185, उनसे युद्ध करो जब तक कि फितना शेष न रहे और दीन अल्लाह का हो जाए। ये तो मैं नहीं कह रहा, ये फारूकी खां 1980 के दिए गए बयान। दुरानी ने कहा कांग्रेस के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद ने पूरे भारत के इस्लाम की वकालत करते हुए कहा भारत जैसे देश को एक बार मुसलमानों के शासन रह चुका है कभी भी त्यागा नहीं जा सकता और प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य है कि उसे खोए हुए मुस्लिम सत्ता फिर से प्राप्त करे। ये मैं तो नहीं कह रहा, कहने का भाव है मेरे भाई कि भाग्यनगर जैसे हैदराबाद बन गया, भाग्यनगर जैसे हैदराबाद बन गया और अगर तुम अभी भी सचेत नहीं हुए ये प्रशासन वर्ग, जब तक यहां हिंदू बहुसंख्यक हैं तब तक आप सुरक्षित हैं, वरना कश्मीर
कश्मीर में हमारे सेना के साथ क्या होता है? तुम्हारा अल्लाह इतना कमजोर कि
मेरा अल्लाह मियां। अल्लाह मियां तो चराचर जगत में कहां नहीं है, भगवान कहां नहीं है, लेकिन वार है मेरे हैदराबाद के शेर, वार हैदराबाद के शेर। तुम बंदर रूपी हैदराबाद के हिंदू के जयकारों के डर से अपनी बीवियों को बुर्का पहनाना तो चालू किया कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह के घर को भी तूने बुर्का पहना। तुम कहते हो कि मैं शेर हूं, यानी तेरी मानसिकता छोटी है। अल्लाह छोटा नहीं हो सकता, अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है और बड़ा कभी छोटा नहीं होता, लेकिन तेरी मानसिकता हिंदू विरोधी होने के कारण तुम इतने संकुचित हो कि अल्लाह को एक मस्जिद में बंद करके उनको भी बुर्का पहना रहे। तुम कहते हो कि 5 मिनट में मैं हिंदुओं को देख लूंगा, शर्म आनी चाहिए। जब तक भारत में संविधान है तुम्हारा हक सुरक्षित है, हिंदुओं का भी हक सुरक्षित है, क्योंकि भारत के संविधान से बड़ा ना सुनिए शास्त्री है, ना भारत के संविधान से बड़ा तो वैसे। लेकिन तुम्हारी मानसिकता को मैं क्या करूं, खाओगे भारत में, रहोगे भारत में, मरोगे तो 10 फीट जमीन भी मां भारती के लोगे, जिसपे हम नीम के पेड़ भी नहीं लगा पाएंगे। लेकिन दिन रात मेरी भारत मां को टाइम में चुड़ैल कहकर गाली भी तुम ही दोगे। क्या मानसिकता है कि अगर भारत एक गोल से जीत गया तो भारत में 10,000 लोगों को हार्ट अटैक हो जाए। अतः आप लोगों से निवेदन है, विचार करो, इससे मत डरना कि तुम 2, 4, 10 बैठे हो इसके कारण। यही पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे शंभु होई। एक छोटा उदाहरण, एक बंदर की ताकत कुछ नहीं होती, लेकिन यही पर चरण गए हनुमंता, सोच लग रहे उपादान तुरंता, उलट पलट दे लंका जा रही। एक बंदर ने लंका नगरी को उजाड़ दिया था, हम उनके वंशज हैं, इसलिए तुम अपने आप को कमजोर मत समझो। तुम्हारे पास सत्य है, तुम्हारे पास भारत माता का आशीर्वाद है, तुम्हारे पास तुम्हारे पूर्वजों का डीएनए है, तुम्हारे पास भाग्य नगर के भाग्य लक्ष्मी का आशीर्वाद है, तुम्हारे पास भारत का संविधान है, तुम्हारे पास भारत का तिरंगा है, तुम्हारे पास वंदे मातरम ऐसा राष्ट्रगान है, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। डरने की जरूरत उन्हें है जिनको पाकिस्तान प्यारा है, और जिसे भारत से प्यार नहीं उसे भारत में रहने का कोई अधिकार। मैं 2-4 बातें और कहूंगा, कृपया प्रशासन वर्गी, मैं भी टाइम की बहुत पाबंद हूं, मैं टाइम का बड़ा पाबंद हूं। हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार हमें 10 बजे तक के टाइम प्राप्त है, हम 10 नहीं बजे उसके पहले आपका, क्योंकि मैं आपके अशोक स्तंभ को मानने वाला हूं, लेकिन मेरी राज्य स्वतंत्रता के अधिकार को आपको रोकने का कोई पावर नहीं है। ये किसी की जागीर नहीं, ये मुझे भारत के संविधान ने हक दिया है। अगर वो वैसी के भाई को बोलने का अधिकार है तो हैदराबाद के भाग्य नगर में सुनील शास्त्री को भी बोलने का अधिकार है। मैं इतना कहूंगा आप लोगों से, आखिरी एक कथा कहकर मैं अपनी वाणी समाप्त कर दूंगा। इंसान के लिए सारा काफी है, लेकिन मैं यहां के सांसद महोदय से चुनौती मत दो। मैं एक ही चीज कहकर जा रहा हूं, आपके पिताश्री ने चुनौती दी थी, आपके पिताश्री ने दो चुनौती दी थी,
1970 गया, राम मंदिर बनी, कुछ नहीं बिगाड़ पाए क्योंकि भारत में संविधान है। तो आप चुनौती मत दो, इतना ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे भारत मां के बेटा बन के रहो, हमारी तुम्हारी रहीम रशखान कबीर के वंशज बनो, हम तुम्हें सर पर रखेंगे, लेकिन तुम अपने आप को बाबर की संतान मानोगे तो तुम्हारे साथ मेरी कोई भाईचारा नहीं। एक आखिरी कथा कह रहा हूं, सुन लो, खास करके प्रशासन वर्ग जरूर ध्यान दो। एक गांव में पहलवान रहता था, पहलवान इतना बड़ा था कि सारा इलाका डरता था कि भाग्यनगर में अगर मैं घुसूं तो भाग्यनगर में चोरी करने जाऊंगा तो भाग्यनगर में मुझे पहलवान से बचना मुश्किल हो जाएगा। वो एक पेड़ के डाली को पकड़ता, नीचे झुका देता, लोग उससे डरते। कुछ दिन के बाद लोगों ने पकड़कर उस पहलवान की शादी कर। अब शादी हो गई तो बीवी आ गई तो दो बच्चे हो गए। अब पहलवान को टाइम कहां मिला, टाइम तो मिलता नहीं अखाड़े जाने का। कुछ दिन के बाद बच्चे भी जवान हो गए, बुढ़ा अखाड़ा जाना भूल गया। एक दिन घूमते घूमते बुढ़ा अखाड़े में गया, पेड़ के डाली में लटका, तो पेड़ के डाली में लटक गया। बड़ा अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हुई, बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं तो बर्बाद हो गया। आंख लाल करके घर आया, बोला, पत्नी बोला, क्या बात है जी आंख लाल किए हो? उसने कहा, तुम्हारे चलते मेरा सत्यानाश हो गया। बोला, हुआ क्या? बोले, बताओ, जिस पेड़ को मैं झुकाता था आज मैं उसी में लटक गया। बोला, अच्छा, इतनी बड़ी बात, चलो जरा मैं भी देखूं कि मेरे पहलवान पति कौन से डाली झुकाते थे। आगे आगे पहलवान, उसके पीछे उसकी पत्नी, उसके पीछे दो हट्टे कट्टे बेटे। बोला, चल कुछ लटक। पहलवान ने डाली पकड़ा, पत्नी ने दो बच्चों को कहा, चल उस पेड़ के डाली को पकड़। जब पेड़ के डाली को बाप और बेटों ने मिलकर पकड़ा तो पेड़ का डाली तो छोड़ो, पेड़ आकर जमीन पर गिर गया। पत्नी ने कहा, रे पुत्रू, तेरी कहीं ताकत गई नहीं थी, तुम्हारी ताकत इन बच्चों में पट गई थी। हिंदुओं, तुम्हारी ताकत कहीं गई नहीं है। लेकिन बुढ़े को संतोष नहीं हुआ, कुछ दिन के बाद उस बुढ़ा मर गया। अब तो चोरों को अधिकार मिल गया, चोर चोरी करने आए। बुढ़िया ने देखा, गांव के सरपंच के पास गई, सरपंच कुछ चोर आए हैं, गांव की इज्जत लूट रहे। बुढ़िया को कहा, अरे बुढ़िया चुप रहो, किसकी सरकार है पता है ना तेरे को? ओबैसी जी यहां के सांसद। बुढ़िया क्या करती? बुढ़िया गई, बड़े बेटे को कहा, बेटा जब तक मेरा तेरा बाप था इस गांव की रक्षा की, अब तेरा दायित्व है, जाके रक्षा कर। बेटा गया, खूब लड़ा, चोर तो भाग गए, लेकिन बेटे को इतनी चोट लग गई कि उसकी प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने उस बुढ़े के बुढ़िए के बच्चे को लाकर गांव के चौराहे पे रखा। लोगों ने कहा, बुढ़िया आज तेरा बेटा मर गया। बुढ़िया ने चिल्ला कर कहा, खबरदार, मेरा बेटा मरा नहीं, मेरा बेटा मेरे समाज, मेरा परिवार, मेरे राष्ट्र की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। जा बेटा, तुझे दूध का कर्ज माफ। दूसरा बेटा भी कुर्बान हो गया, तीसरे बार तो कोई बेटा नहीं बचा। आखिर में चोर फिर आए, चोरी करके जाने लगे, कोई न निकला। बुढ़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। लोगों ने पूछा, बुढ़िया बड़ा बेटा मरा नहीं रोई, छोटा बेटा मरा नहीं रोई, आज कौन सा बेटा मर गया? बोला, आज पूरा समाज मर गया। मेरे भाई, मैं सन्यासी अयोध्या से आकर आपसे भीख मांगता हूं, मैं कुछ और नहीं मांगता, मैं इतने मांगता हूं, तुम जगो अपने राष्ट्र के लिए, जगो अपने संविधान के लिए, जगो अपने भारत के संविधान और भारत के तिरंगा के लिए, जगो इस भाग्य नगर के भाग्य के लिए। अगर गलत है तो प्रशासन को सूचना दो, अपने संविधान के दायरे में अपने दायित्व का निर्वाह करो और राष्ट्र की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहो। इन्हीं बात के साथ आखिरी बात कहते हुए, जगो जगो
रामनवमी में संकल्प लो कि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा, मैं इस भाग्य नगर की रक्षा करूंगा, मैं अपने तिरंगा की रक्षा करूंगा, मैं इस मातृभूमि के लिए अपने संविधान के लिए तत्पर रहूंगा। इन्हीं बात के साथ आइए मुट्ठी बंद कीजिए और मेरे साथ दो बार बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भगवान रामचंद्र की जय, भगवान बुद्ध की जय, भगवान महावीर की जय, गुरु गोविंद सिंह महाराज की जय, सकल समाज की जय, सकल बस्ती की जय, सभी सनातन धर्म की, सब लोगों को हमारे ओर से इस संदेश के साथ मैं अपनी वाणी भगवान रामचंद्र के चरणों में अपनी वाणी पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपने सरकार से निवेदन करूंगा कि हे मेरे राघवेंद्र सरकार, भाग्य नगर के भाग्य में इतनी शक्ति दे कि मेरी भाग्य नगर के समस्त जनता सुखी हो, संपन्न हो, मेरी मां भारती का स्वाभिमान दिन दोगुना चौगुना बढ़े। इन्हीं बात के साथ सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं महेंद्र विहार जी से निवेदन करूंगा कि धन्यवाद ज्ञापन देवे।